दोस्तों नमस्कार दोस्तों अब चुनाव नामांकन का कल आखिरी दिन है जितने नामांकन भरने हैं कल आखिरी दिन पता चल जाएगा कौन कौन चुनावी मैदान में है हमने कल ही आपको बताया था नाला सुपारा से विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने संदीप पांडे जी जो हमारे साथ इस समय मौजूद है उनको उतारा है और संदीप पांडे जी कल सुबह अपना नामांकन भरने वाले हैं क्या इनका विजन है क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनकी सोच है किस तरह से पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आगे निभा पाएंगे जानते हैं पांडे जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ उतारा है क्या आपका विजन है क्या आप सोच कर आए हैं और किस तरह से आप पार्टी की इस विचारधारा को आगे लेके जाएंगे सबसे पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मैं आपको बताना चाहता हूं इस शहर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की आम समस्याएं हैं सड़क की समस्या है अस्पताल की समस्या है एजुकेशन की समस्या है औद्योगिक हब आपको बताऊं कि आज अगर आप देखेंगे तो इस शहर से लाखों लोग नाला से बंबई जाते हैं उन्हें छोटे रोजगार भी शहर में उपलब्ध नहीं है कि वो अपने रोजी रोटी यहाँ देख सके कर सके यहाँ के स्लम के लोगों को यहाँ पर साथ ही साथ हमारे साथ फेरी वाले हैं हॉकर्स वाले हैं उनके लिए नियोजन बनाना यहाँ मार्केट लगाना और शहर के अंदर आधुनिक स्कूलों का निर्माण कराना आज कॉलेज हमारे शहर के अंदर इतनी आबादी है और चार ही कॉलेज हैं तो हम किस तरह से एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करें हम उस नीति पर काम करेंगे किस तरह से यहाँ मेडिकल रिजर्वेशन प्लॉट पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए एक प्राइवेट कॉलेज है लेकिन सरकारी कॉलेज होगा तो हमारे आम 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 जनता के घर से आम विद्यार्थी भी चुनकर आएगा जो अपने मेरिट के आधार पर इसी शहर में पढ़कर इस शहर का नाम रोशन करेगा तो हम इस शहर के विकास की बात करते हैं बगल में हाईवे है हम सड़क की बात करते हैं और जिस तरह से युवाओं की रोजगारी बेरोजगारी किसानों की आत्महत्या और महंगाई उसको लेके कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी इस समय दो हजार चौबीस के इस विधानसभा चुनाव में कार्य कर रही है और इस शहर की और पूरे महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है और हम उसी के आधार पर हम विकास के मुद्दों को लेकर हम उनके बीच चुन आएंगे कांग्रेस पार्टी देश की दूसरे नंबर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा दाव खेलते हुए वसई में और नाला सुपारा में दो सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है और किस तरह से इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी स्थिति हमारी दोनों विधानसभा की काफी अच्छी है हमारे महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है वो भी हमारे साथ है हमारी सबसे बात हुई है सारे लोग मिलकर काम करेंगे कल नॉमिनेशन में भी आपको दिखेगा कि सब साथ रहेंगे और आने वाले चुनाव में प्रचार में भी रैलियों में भी सभाओं में भी दोनों पार्टी के और घटक दल के सारे नेता हमारे साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो चाहे महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के उम्मीदवार हो चाहे राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हो एक दूसरे को मिलकर जिताने का काम हम करेंगे कुछ असंतोष भी सामने आया आपने अभी कहा कि सब मिल करें लेकिन कुछ असंतोष भी सामने आया उन लोगों को आप किस तरह से समाधान ही करेंगे उन लोगों का जो असंतोष है उसे किस तरह से खत्म किया जाएगा और यहाँ फिलहाल जो महाविकास आगाड़ी है उसको आगे बढ़ाने बात किस तरह से की जाएगी देखिए एक छोटे से परिवार में भी असंतोष होता है ये तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो भी दिक्कतें हम बैठ कर... उसे खत्म कर लेंगे सारी चीजें खत्म भी हो गई है और अगर पार्टी ने मुझे चुना है तो मैं उनके साथ मिलकर इस शहर का विकास करूंगा लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी दूसरे पायदान पर थी लेकिन हर एक चुनाव अलग अलग होता है विधानसभा की बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है पिछले कई सालों से और उसके बाद महायुति और महाविकास आगाड़ी क्या समीकरण है देखिए पल्ला उनका इसलिए भारी रहा है कि हम उनके साथ थे आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा हम साथ थर्ड गए तो वो तीसरे नंबर पर आ गए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम डेवलपमेंट के विषय को लेकर ही बात करेंगे इस शहर में जो 35 साल में होना चाहिए था जो नहीं हुआ हम उसे लेकर घर घर जाएंगे और जनता का हमारे साथ सपोर्ट है हमारे नेताओं का सपोर्ट है हमारे नेताओं पर जनता का विश्वास है उसके आधार पर हम चुनाव लड़कर आएंगे तो ये मुलाकात कर रहे थे पांडे जी से जो कल सुबह नॉमिनेशन भरने वाले हैं एक बार फिर हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बात कहते जा रहा हूँ कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता हमारे हर एक विधायक जी है तो फिलहाल इन विधायक जी को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें